हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैल्टन टेक्नोलॉजी 1 महीने में 17% का रिटर्न दिया हुआ है, और आज की बात करें तो 5% का अपर सर्किट है। सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 15% है। लास्ट 3 दिन से अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये शेयर में। लास्ट वीडियो मैंने बना के आपको बता दिया था कि किस रेट तक क्या तक टारगेट आने वाले ना, हाई तो डेफिनेटली टूटने ही वाला है, जैसे कि 135 रुपये का है, और जो आज 5% का सर्किट लगने लगे ये आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न वापस देंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आईटी सेक्टर में कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में कंसल्ट करती है, और भी बहुत कुछ आईटी सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। तो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम करी। दोस्तों, ऑलरेडी मैं टारगेट्स बता चुका हूँ। अगर पहले की बात करें कि लास्ट टाइम हमने पहली बार जब हमने बाय करने के लिए कहा था, तो मैं बता दूँ दोस्तों कि हमने 50% का रिटर्न इस शेयर में निकाला था, बहुत सेफ रिटर्न निकाला था। अगर 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर ने डबल का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट। दोस्तों, बहुत अच्छे रिटर्न दिए, डबल से भी ऊपर के रिटर्न दिए थे। फिलहाल अगर आज की बात करें तो ही 5% का रिटर्न है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, शेयर पहली बार मैंने रिकमेंड किया था 57 रुपीज़ पे, और कहा था अगर नीचे आता है तो 49 रुपीज़ तक ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 43 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन हमने टारगेट दिया था 88 रुपीज़ का। पहले टारगेट पे मैंने कहा था कि अभी फिलहाल अभी वेट कीजिए, आगे जाके ये अच्छे रिटर्न देगा, और भी सेकंड टारगेट भी पूरे प्रॉपरली आने वाले हैं। तो 114 रुपये का जो मेरा पहला टारगेट था वो आया था, और उसके बाद देखिए 135 तक गया था। वहाँ पर फिलहाल हमने बुक कर लिया था, लेकिन जब हमने कहा था कि वापस से शेयर को वापस कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने वाला है, अच्छे टारगेट के साथ अच्छे प्रॉफिट देने वाला है। दोस्तों, ये शेयर आप डेफिनेटली अगर नहीं लिया तो लीजिए, और ऑलरेडी ऊपर से लिया है तो एवरेज कीजिए। और अगर अभी तक आपने ऊपर से लेने के बाद एवरेज नहीं किया तो एवरेज करने का सही मौका है। दोस्तों, ऐसे ही शेयर के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, फिलहाल अभी के टारगेट के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का दिया हुआ है, और वहाँ पर भी हमारा फ़ोन नंबर है, जो कि अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हमसे शेयर से रिलेटेड कोई भी शेयर से रिलेटेड बात करने के लिए चाहते हैं, तो भी फ़ोन नंबर नीचे दिया है 9516642878। फिलहाल अभी बात कर लें शेयर की। तो दोस्तों, ये शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया था कुछ 80 रुपीज़ से। 80 रुपीज़ पे जाने के बाद अगर बात करते हैं, यहाँ से 80 रुपीज़ से आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था, 1 महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे शेयर ने हाई बनाया था, फिर यहाँ से जो कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज पे मैंने यहाँ से बाय करने के लिए बोला था 80 to 85 रुपीज़ यहाँ से दिख रहा है, लेकिन 80 रुपीज़ तक गया था। 79 रुपीज़ तक भी हमने इस शेयर को देखा है। दोस्तों, ये शेयर का 79 रुपीज़ का बेस बॉटम बना हुआ है। फिलहाल इसी बेस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस चेंज करके, जो कि मैंने स्टॉप लॉस लास्ट टाइम बताया, उसको चेंज करके अभी यहाँ से बाय कर सकते हैं। करंट रेट से बाय कर लीजिए, आपको अगर 20 से 30% का रिटर्न चाहिए। ऑलरेडी शेयर ने आप देख रहे हैं 17% का रिटर्न दे दिया है यहाँ से। अगर यहाँ से भी इस रेंज से ही बात करें, अगर 82 से भी बात करें, तो 18% का रिटर्न अभी आपको सामने देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी अपर सर्किट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो डेफिनेटली नया हाई तोड़ते हुए दिखेगा। नया हाई की बात कर लें यहाँ पे, तो देख सकते हैं 135 रुपये का टारगेट है यहाँ से। अगर 135 की बात करें तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ 50% रिटर्न निकालना, मैंने जैसा कि लास्ट टाइम पे ही बोला था 50% रिटर्न चाहिए, तो आप इस शेयर को वापस से बाय कर लीजिए, बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न देगा। नए हाई आपको तोड़ते दिखेंगे। मेरा पहला टारगेट 180 रुपये का है दोस्तों, दूसरा टारगेट 220 रुपये का है, तो 140 रुपये पे अभी फिलहाल आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे 180 जो मैंने बोला है उसकी जगह 140 रुपये का मेरा जो पहला टारगेट है, जो कि 52 वीक के हाई का है, वो डेफिनेटली आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी मंथ में आपको देखने को मिले, क्योंकि अप्रैल में हमारा प्रिडिक्शन है कि निफ्टी 19,000 क्रॉस कर देगी, नए हाई बनेंगे, लाइफ टाइम हाई बनेंगे सेंसेक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के भी आने वाले टाइम में नए हाई देखने को मिलेंगे। तो इस शेयर में भी आप इसे बाय कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। टारगेट जैसा कि आपको वापस रिपीट कर दूँ कि आप 79 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि हमने हमारा बाइंग रेट है, वहाँ से आप कॉस्ट टू कॉस्ट एवरेज के साथ इस शेयर को रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना के कहा है कि ऐसे एवरेज कर लीजिए। देखिए, अगर आप एवरेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेकिन अगर अभी तक एवरेज नहीं किया तो एवरेज कर लीजिए। अगर ऊपर से लिया है, और अगर अभी तक नहीं लिया तो इसे ले सकते हैं। ऑलरेडी नीचे से लेने के लिए भी मैं कह चुका था, यहाँ से भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देख सकते हैं कि 18% के रिटर्न हमें सामने मिल रहे हैं। और अगर अभी तक आपको टारगेट के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो के लिए हम आपके लिए हमेशा बनाते रहे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ। अभी 50% के और भी रिटर्न वाले शेयर में ऑलरेडी चैनल पर बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-4 दिन पुराने वीडियो जरूर देखे जाइए, ताकि ऐसे ही वीडियोस से आप प्रॉफिट ले सके, अच्छे रिटर्न आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।